बिहार सरकार के कई मंत्री के आवास में बारिश खत्म होने के 36 घंटे बाद भी पानी जमा है। ऐसे में हमारे पटना ब्यूरो चीफ एसके राजीव ने जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन से खास बातचीत की है। बिहार बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है, पटना आधी लगभग डूब चुकी है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी। राजीव जी, आधा पटना डूब चुका है, 14 जिलों में बाढ़ की त्रासदी है। देखिए, निश्चित तौर पर यह एक मुश्किल वक्त जरूर है और प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के सरकार की ओर से मुकम्मल जो भी प्रबंधन हो सकते थे वो किए गए, लेकिन बारिश अप्रत्याशित रिकॉर्ड हुआ है, सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो गए हैं और इसीलिए जो हमारी तैयारियां हैं उसके मुकाबले प्रकृति का ये कहर कहीं ज्यादा खतरनाक और खौफनाक होकर के उभर करके आए। लेकिन अब जो मौसम की स्थिति है, पहले आज सुबह से कुछ बदलाव दिखने लगा है। एनडीआरएफ की 19 टीमें यहाँ काम कर रही हैं, एसडीआरएफ भी काफी अच्छा काम कर रही है और साथ साथ एनडीआरएफ के पास जो बोट्स वगैरह को लेकर के अब पर्याप्त संख्या में उनके पास बोट्स हैं, चॉपर भी आ चुका है और डिवॉटरिंग मशीन भी कोल माइन से मंगाया जा रहा है। जितने भी सम्प हाउसेज हैं उनमें जो भी खराब मोटर्स वगैरह थे वो सब ऑर्डर में है और इसलिए अगर अब ये कहें कि अब जो परेशानियां वो कम होने लगेंगी तो मुझे लगता है ये स्थिति अब आ रही है, धीरे धीरे अब पानी निकलना शुरू हो जाएगा और 2 दिन में स्थिति सामान्य होने का हम अनुमान कर सकते हैं। राजीव रंजन जी है जेडीयू के प्रवक्ता हैं, बहुत संजीदगी के साथ अपने सरकार को बचाते भी हैं और यह कहते हैं कि उनकी प्राथमिकता में पहले आम लोगों को बचाना है, उन तक भोजन पहुंचाना है और उस तैयारी में सरकार पूरी तरीके से जुटी हुई है। पटना से इसके राजीव R9 TV।